हो गए तीन बजे कपड़ा कहाँ पहुँच गए, कपड़ा ये पहुँच गया, हमने बांधा कहाँ था ये। तो गाइस अपन रोटर वेटर ही दूसरा ले आए, मतलब अपना रोटर वेटर भी अपने पास है। ये अपन जो है जहाँ से ट्रैक्टर लिया ना वहाँ से अपन जो है डेमो के लिए ले आए, मतलब अपने घर का ही शोरूम है वहीं से जो है अपन ये ट्रैक्टर लेके आए थे और वहीं से जो है अपन रोटर वेटर फिलहाल के चलाने के लिए अपना इतना बचा था, क्योंकि ट्रैक्टर उस रोटर वेटर में बैठ रहा था और मैं कहने का आया था वो बोल रहा था भाई इसका जो आपका जो ट्रैक्टर का नहीं इसका जो अपने पास रोटर वेटर ना उसका ये सिस्टम चेंज है। ये देखो इसमें 20 और 21 लिखा है, देखो 20A और 21, इसमें 20 21 का गेयर बॉक्स जो गेयर डाले रहते हैं ना अंदर वो हैं, बोल रहे हैं आप वो डलवाओ उसके बाद जो है रोटर वेटर आपका जो है मतलब लोड फ्री चलेगा। तो अपन देखते हैं उसको जो है अपने रोटर वेटर के अपन वो गेयर चेंज कर देंगे, दूसरे डलवा देंगे, और जो अपने अपने में डले हैं वो 20 और 16 के हैं और एक 20 और 1 हैं 19 और 17, ऐसा कुछ है भाई अपने सिस्टम। और अब शायद थोड़ा बहुत गिनने में मिस्टेक हो गई हो लेकिन ऐसा ही है जो हमने गिना था, और बाकी इसमें अच्छा चल रहा है भाई, लोड फ्री चल रहा है। देखिए इतना कर दिया अपन ने, लोड फ्री इसमें अब चल रहा है, मैं पहले अपने उसमें चल रहा था लो, दूसरे में चल रहा था सिर्फ, अब इसमें चल रहा है मीडियम, पहले में भी चल गया और लो तीसरा में भी चल रहा है और लो चौथा में चल रहा है, लेकिन मतलब थोड़ा बैठ रहा है और मतलब भाग रहा है बहुत तेज, बस इसलिए अपन अभी मैं लो तीसरा में चला रहा था उसके बाद लो मीडियम पहले में चल रहा है। बाकी अभी परफॉर्मेंस भाई अच्छी निकल के आई और जल्दी जल्दी कर रहा है अभी काम। अब लग रहा है कि भाई 50 HP का ट्रैक्टर लेके मतलब घाटा नहीं किया, बाकी बीच में भाई लग रहा था रोटर वेटर अपने नहीं चल रहा था ना, तो लग रहा था गलती तो नहीं कर दी इसको लेके, बाकी अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं इसमें, अच्छा चल रहा है इस रोटर वेटर में। अपन देखेंगे नहीं तो एक नया रोटर वेटर ले आएंगे, आप बताना कमेंट करके कौन सा लेना चाहिए, अगर उसका नहीं हुआ सिस्टम तो अपन लेके आ जाएंगे। ठीक है, मेरा प्लान भाई शक्तिमान का हो रहा है, MSU का प्लान नहीं है और ये तो अपन लेके आएंगे नहीं, तो आप बताना भाई कौन सा लें अपन रोटर वेटर, अगर मतलब लिया तो आप मतलब बताना जरूर जौन सा बेस्ट होगा अपन बोलेंगे, और आप ये ज़रूर बताना लें तो उसको क्यों लें। ठीक है, बाकी चलो अब मैं इसको कर देता हूँ पूरा फिनिश, उसके बाद फिर अपन के एक खेत मतलब अपना वहाँ है टुकड़ी है 1.5 एकड़ की, उसमें जो है कल्टी करने के लिए चलना है इसके बाद, चलो करते हैं। तो गाइस अब मैं आपको रोटावेटर इस वाले रोटावेटर में चला के बताता हूँ ट्रैक्टर को। ये देखो मैंने 15, 16, 17, 18 की रेस पर जो है इसको सेट कर लिया है और ये लो डला मीडियम और ये वीडियो और ये पहला मीडियम का पहला यार, एक मैं अब देखना फेरा, इसके बाद जो है अपन यहाँ से फ्री इसके इसकी फिर अपन को दोबारा बखरनी करनी है, क्योंकि गहरा बखरना है अपन को इसकी, कचरा जो है खत्म हो गया, आपको कितना कचरा दिख रहा था गुर्रू ही गुर्रू, अब देखो बिल्कुल चकाचक हो गया भाई, लास्ट फेरा भी पूरा, ये देखो इसका चूरमा बना दिए अपन, चूरमा बना ही नहीं लेकिन उसका, चलो चलते हैं अपन सीधा घर। और ये देखिए रोटर वेटर अपना, ये अपना नहीं है मतलब ये एग्री स्टार का है, अपन जो है लेके आए और बस इस खेत का जो है अपना पूरा कंप्लीट हो गया, अब अपनी कटाई होगी धान की और इसमें जो है अपन बोनी करेंगे चना और मसूर दोनों की जो है बुआई करेंगे अपन, पहले इसका पलेवा करेंगे मतलब पूरे में पानी देंगे उसके बाद फिर परेशानी करेंगे,
उसके बाद बोंगे। इस बार काफ़ी लगत आ गई इसमें। तो गैस दोनों लीवर डाउन है और लो पहले में जो है मैं लगा दिया इस वजह से क्योंकि ट्रैक्टर भागे ना अकेला, इसलिए चल रहा है भाई एक नंबर, टू व्हील में ही है ये। तो गैस ये अपना कल्टीवेटर है, अपना मतलब पुराना ही सिवा का है भाई, ये 60 टन का है। इस पर पहली बार जो है अपन अपने मैसी फर्गुसन 254 डायनाट्रैक स्मार्ट, इसमें भाई की भी है, मतलब की से लॉक हो जाता है ट्रैक्टर। पावर बैंक ये देखो, चलो भाई इसको पकड़ता हूँ फिर आपको परफॉर्मेंस बताता हूँ ट्रैक्टर की कैसा क्या चल रहा है इसमें। बाकी दोपहर का टाइम है तो जय श्री श्याम, मतलब सुबह की राम राम जय श्री श्याम। बाकी चलते हैं अपन पकड़ते हैं इसको, थोड़ा सा चला के देखते हैं कैसा चल रहा है इसमें। ये उठाया अपन ने इसको, अभी मैं सेटिंग कर रहा था इसकी, मीडियम दूसरे में चला रहा। अब हुई सेटिंग इसकी, कचरा ज़्यादा है इस वजह से। चलो मैं एक राउंड लगाता हूँ बीच में बताता हूँ। तो गाइस मैं आपको एक ही बताता हूँ, ये देखिए ये चल रहा है टू व्हील में और मतलब फुल बिठार के चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कैसे रेंक रहा है, मतलब ऐसे कैसे बिल्कुल ऐसे ऐसे वचक वचक के जा रहा है, राउंड लेता है फिर जाता है ऐसा। और अगर जैसे ही इसमें फोर व्हील डालूंगा फिर देखना आप दौड़ता है। फोर व्हील में आपको चला के बताता हूँ एक मिनट, ये चढ़ रहा है ट्रैक्टर पे और मैंने कुछ नहीं किया, लीवर को दबा दी, ये देखो ये देखो ये देखो स्पीड अलग ही, ये देखो इतने आरपीएम पे चल रहा है लेकिन चल रहा है ट्रैक्टर, दोनों लीवर डाउन है देखिए, ये फुल ये भी दोनों डाउन है, ट्रैक्टर आगे बढ़ रहा है। अब पता चला भाई फोर व्हील का मतलब इतने जल्दी जो है इतने फेरे मार दिए, अगर टू व्हील ट्रैक्टर होता तो जल्दी फेरे नहीं मारता, ये है फोर व्हील और टू व्हील में फर्क, अब समझ में आता है ऐसे टाइम पे क्या बहुत जरूरत पड़ती है। अब जल्दी जल्दी स्केप करना है, आज मैं स्केप को कर दूंगा कंप्लीट फुर्सत, फिर अपन का इसका जो है पानी करेंगे मतलब पलेवा करेंगे, उसके बाद जो है इसमें चना यहाँ बोएंगे इस साइड और नीचे बोएंगे अपन मसूर। चलो भाई मैं करता हूँ पूरा, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कंप्लीट करके। तो भाई एक बज चुका है और मैंने अभी खाना नहीं खाया फिलहाल में, तो बस खाना खाने के लिए मैं निकल रहा हूँ। और ये अपना खड़ा कर दिया मैंने ट्रैक्टर और इसको लॉक कर दिया कैसे इस रिमोट से, ये देखो दिख रहा है इंडिकेटर चल रहा है इसके, अब लॉक हो गया, अब इसको कोई कुछ करे अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब अब ये अगर पानी से भी चालू करें तो भी नहीं होगा, ये सिस्टम है इसमें देखिए, इसी है इसका रिमोट। तो वैसे ये देखिए अपने जो बाद में लगाई थी उसकी धान की स्थिति, और ये जो पहले वाली जो है आ चुकी है। बाकी भाई अपन आ चुके हैं अपने ट्रैक्टर के पास, खड़ा है अपन, इसको करते हैं अनलॉक इस बटन से, देखिए अब ये लाइट जल गई इसकी, हो गया ये ओपन, करते हैं चालू और अपन चलते हैं कहाँ, अब अपने नीचे वाला खेत रहा है उसको बखर के, और फिर अपन यहाँ से फ्री रफू चक्कर हो जाएंगे अपन यहाँ से, उस साइड चढ़ना था। चलो चालू करते हैं, चाबी फंसाते हैं उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। चढ़ गए, ये देखिए इसमें रख दो इसको, लग गए ये चाबी, इसको लगाते हैं अपन यहाँ, कर दे चाबी न्यूटन न्यूटन चलो चलते हैं अपन सीधा।
अपने खनीता को उठाते हैं अपन और फिर चलते हैं। ये देखो गाइस कितना बड़ा सांप है, देख सामने देखो, ठीक है दूर से ही दिख रहा है। तो गाइस 49.9 हो चुके हैं, अब इसका सर्विस का टाइम सिर्फ मात्र 6 मिनट बचे, अपन चलाते हैं इसको 50 करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। और खेत भी अपना थोड़ा सा ही बचा है, ये देखिए इतना ही बचा है, ऊपर डीजल भी थोड़ा सा ही बचा है, देखते हैं कब होता है ख़त्म, हो पाएगी पूरी बगन्नी या नहीं। और भी इसमें ताकत तो बहुत होती है भाई, ये चलो इसको 50 करते हैं फिर आपको। घंटे हो चुके हैं भाई ट्रैक्टर के पूरे कंप्लीट, 50 मिलियन सब्सक्राइबर। चलो ठीक है गाइस अब मैं इसको करता हूँ, थोड़ा सा बचा है इसके बाद फिर आपको बताता हूँ। डीजल भी जो होता है हो जाता है तो मैं ये बोल रहा था डीजल इसका कितना चलता है, बस लास्ट फेरा बचा था, मतलब ये वाला आड़िया, ये के लग गया था, ये के लग गया था और वो अपना वो भी लग गया था बस, और घर जाना था एक फेरा ये, और ट्रैक्टर भाई साहब अपने बंद हो गए क्योंकि डीजल जो है पी चुके हैं पूरा, अब इनके पास बचा नहीं, बोल रहे हमको डीजल लाओ जब हम जाएंगे यहाँ से, आखिरी फेरा बचा था ये, वो लगा दे तो बस वो घर चले जाते, लेकिन नहीं इनको तो यहीं रुकना है। तो गाइस चलो अपन भाई डीजल लाते हैं, मतलब डीजल अपन मंगवा लिए, डीजल आ रहा है, तब तक खड़े होकर यहीं वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। तो गाइस ब्लॉग को मैं एंड कर देता हूँ, इस वीडियो में था इतना ही, अगर आपको वीडियो आई हो पसंद तो वीडियो करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं इसी तरह के मज़ेदार और नई और अच्छी नई अच्छी वीडियो के साथ। अगर हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है गाइस। वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और जय राम जी। 50 घंटे इसके पूरे हो गए तो इसकी अपन परसों के दिन जाएंगे सर्विसिंग करा लेंगे, कर ले जाएंगे परसों जाएंगे, ठीक।